मॉरिशस के उच्चायुक्त जगदीश्वर गोवर्धन का महानगर में आगमन पर मंगलवार को बक्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर में महापौर सीताराम जायसवाल, नगर विधायक डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल, डॉ. रूप कुमार बनर्जी, भजन गायक राकेश श्रीवास्तव और डॉ. सुरेश सिंह राय, यशेंद्र प्रसाद और चित्रगुप्त मंदिर के पदाधिकारियों ने जोरदार अभिनंदन किया। मुख्य अतिथि के स्वागत में फरुवाई नर्तकों द्वारा नृत्य का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि को महापौर, नगर विधायक, दवा व्यवसायी के अध्यक्ष योगेंद्र नाथ दुबे, शहीद चित्रगुप्त मंदिर के अन्य पदाधिकारी ने स्मृति चिन्ह देकर अभिवादन किया। नगर विधायक और महापौर ने मुख्य अतिथि का स्वागत अभिनंदन किया। मॉरिशस के उच्चायुक्त जगदीश्वर गोवर्धन ने इंडियन डायस्पोरा एंड वर्ल्ड भोजपुरी सेंटर एंड वर्ल्ड भोजपुरी इंस्टीट्यूट नामक पुस्तक का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि मेरा इस तरह का अभिवादन आज तक कभी नहीं हुआ। भोजपुरी भाषा को बोलचाल की भाषा में लानी चाहिए, तभी इसका विकास हो सकेगा। हमें अपनी मातृभाषा को पहचानना चाहिए और नई पीढ़ी के बच्चों और युवाओं को भोजपुरी के बारे में आवश्यक जानकारी देना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी से भोजपुरी भाषा विलुप्त होती जा रही है। भोजपुरी के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भोजपुरी भाषा को दबाया गया। अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि भोजपुरी भाषा मजबूत हो। भोजपुरी भाषा से एकता थी। उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में एकता बनी रहती थी। अंग्रेज़ों के शासनकाल में भोजपुरी को दबाकर अंग्रेजी भाषा का प्रचलन किया गया। 5000 सालों से भोजपुरी को कहीं नहीं पढ़ाया गया है। मातृभाषा को जब तक हम नहीं पहचानेंगे तब तक हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। हमें सबसे पहले अपने घर में ही भोजपुरी भाषा को प्रचलन में लाना चाहिए। गोरखपुर न्यूज संवाददाता प्रवीण कुशवाहा से विशेष बातचीत में मॉरिशस के उच्चायुक्त जगदीश्वर गोवर्धन ने बताया। जब सूचना मिलन की राजदूत महोदय आज हम आपको देख सकते हैं। आपकी जो संस्था मैंने इस कार्यक्रम से
अपने आप परमात्मा से, क्योंकि आप सिर्फ हमारे साथ कर मिलकर नहीं है, आप भोजपुरी के लिए आदरणीय मॉरिशस के राजदूत जी हमारे बीच में है। नागरिकों की तरफ से इनकी पूरी टीम का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस मंच पर उपस्थित है हमारे जगेंद्र दुबे जी, हमारे डॉक्टर साहब आर एन डी अग्रवाल जी, राकेश जी, इन्होंने जब मुझे बताया कि मॉरिशस के लोग हम लोग के बीच में संदेश देने के लिए, अपनापन पैदा करने के लिए, एक से दूसरे की संस्कृति को जोड़ने के लिए आ रहे हैं। इस मंच पर उपस्थित है हम लोगों के लोकप्रिय विधायक आर एन डी अग्रवाल साहब और बहुत सारे हमारे साथी यहाँ उपस्थित हैं। मैं अच्छी तरह सभा के सभी अध्यक्ष सहित सभी सदस्यों का मैं अपने मन से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्कूल में पढ़े रहते हैं उनके लिए भी सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आभारी हूँ इस भावना से स्वागत किया, ऐसा स्वागत और दुनिया के सिवा दूसरे लोग नहीं स्वागत। भोजपुरी भाषा, भोजपुरी संस्कृति ये साधारण संस्कृति नहीं, भोजपुरी भाषा साधारण भाषा नहीं है। भारत में सबसे ज्यादा बोले वाला कोई भाषा है मातृभाषा तो वो भोजपुरी। चालीस करोड़, अब छोटा परिवार नहीं होता, 40 करोड़। और भोजपुरी संस्कृति बहुत अच्छा लगा, इतना संस्था, इतना प्रेमी, इतनी श्रद्धा, इतना आर्टिस्ट, इतने गायक हैं भोजपुरी भाषा। जब से कल से आप हैं, कल रात 9:30 बजे से इतनी सूचना मिला, इतने लोगों से मिलने का और इतने बड़े बड़े विद्वान जो मतलब भोजपुरी भाषा संस्कृति से प्रेम रखा रहता, इतना समय देवे रहता, इसके बारे में मैं आभारी हूँ। भोजपुरी यात्रा किया था और उस समय मुझे मौका मिला करीब करीब 50 गांव जाने का है, सभी जहाँ भोजपुरिया का है तो वहाँ पर ले गए थे और उसके साथ साथ करीब 40-50 गांव उत्तर प्रदेश में किया और वेस्ट बंगाल में भी, तो उसी समय भी चारों तरफ 50 दिन का वो किया था भोजपुरी भाषा के मान्यता दिलाने के लिए, उसका इज्जत करने का है। इस बार हमारा आया कि इन लोगों सभी चाहते हैं कि भोजपुरी भाषा पढ़ावे, उसी से मजबूत हो सकता है, दूसरा रास्ता नहीं है। ये नई पीढ़ी है, बच्चे लोग सिर्फ कुछ नहीं बोलना चाहते जब तक उसके दिमाग में नहीं आवे असली क्या है, क्या बोल रहे हैं। पहले तो जो बोल रहे थे हम लोग मान लेते थे ऐसे ही, टेक इट फॉर ग्रांटेड। अब का नई पीढ़ी है, लाइक बच्चे लोग बहुत चलाक होते, बहुत इंटेलिजेंट है विद ऑल द टेक्नोलॉजी। अब बच्चे चाहते साइंटिफिक ढंग से और दैट इज द बेस्ट टेक्निक
बच्चे लोग 3 साल के बच्चे से शुरू करें, जो प्रार्थना शुरू करते हैं ओम तमे वो माता से पिता, उसको बोल बता तू हमारे माई हो तुम्हारे बाप हो, दिमाग में तुरंत आ जाए अब तमे वो माता से कहा संस्कृत ही समझेंगे कठिन है। और जैसे ओम बुर्भसत सवितुर बहुत सार बोले के, लेकिन ये भगवान तो प्राण से भी प्यारा हुआ इसे तो ये बहुत भाव है। और है जो बेसिक जो है बाप दादा से व्यवहार के संग से बच्चे बेटा बेटी का सभी, और बेसिक माना जाए ये इसी से मजबूत हुई। और साइंटिफिक ढंग से और लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एक्सपर्ट सभी लोग बोले जाए, यूनेस्को डिक्लेयर कर ले 20 साल से कि ऑल मदर लैंग्वेजेस आर इक्वल एंड शुड बी रिकॉग्नाइज बाई स्टेट, वो डिक्लेयर कर ले बा। और मान्यता देखिए उदाहरण के तौर पर और एक देश के लेल हो जा कौन बलिदान हो जा नौजवान लोग यूनिवर्सिटी में अपन भाषा के लिए, तो ऐसे करके बहुत चीज़ होल बा। अब हम लोग के हाँ कि हमनी के भोजपुरी भाषा जो लोप हो जाता एक टेक्नोलॉजी से, बहुत कम लड़का लोग भोजपुरी बोल जा, वातावरण ऐसा पैदा होगा बा अपने रोटी कमाई के लिए अपने एनवायरनमेंट के सब के लिए ये छोड़ करके। और अच्छा बाकी भोजपुरी थोड़ा अन्याय बहुत होल बा एक दबावल गल बा अंग्रेज लोगों के राज में, अंग्रेज लोग नहीं चाहते जाके भोजपुरी मजबूत हुई, भोजपुरी सीखता रहा, भोजपुरी भाषा से यूपी बिहार सब लेडर नेटर करते जा देश के स्वतंत्र करने के लिए। तो वो लोग के रहा पॉलिसी अंग्रेज लोगों के डिवाइड एंड रूल वो करके आज भोजपुरी को दबा कर हिंदुस्तानी भाषा बनाओ अंग्रेज लोगों के राज में जानबूझ करके ख्याल कर बा। और सब भाषा सब कोई पढ़ रहेगा तब पढ़ रहेगा, हिंदी बिना पढ़ने नहीं सकता हिंदी बोले पढ़े, हिंदी पढ़ने के चाह रहा सैनिक भाषा, लेकिन 5000 साल से कभी भोजपुरी पढ़ावल नहीं करना ऐतिहासिक बात कहीं कैसे जीवित बा 5000 भोजपुरी, लेकिन अब भी ऐसा समस्या स्थिति होगा बा यदि अपनी मातृभाषा के साथ नहीं अनबा तब तो इज्जत नहीं, तो पहचान नहीं रही, आइडेंटिटी नहीं रही। मातृभाषा बहुत चीज़ बोला जब यूनेस्को डिक्लेयर कर रहा था सभी इंटेलेक्चुअल जो पढ़े बोले चाहे चाहे तो चाहेगा, और किस ढंग से करे के ये हमने के पारिवारिक संबंध है, धार्मिक संबंध है, हमने के घर के संबंध है। और हमने अपन घर ही में नहीं करब जा तो क्या चाहते कि दूसर लोग क्या करें जा कि राजनीतिक घर में कि या कहीं पर भी, और आप अपन बताइब पढ़ेब तो स्वाभाविक बात इज्जत हो, जब आप इज्जत करवा तो भाई की इज्जत कोई रोके वाला नहीं बा। और इसी कारण सभी नौजवान तैयार हो जाए पढ़े लिखे हो जाए सभी आर्टिस्ट हो जाए मान प्रोफेशनल हो जाए भोजपुरी समाज काम करके इन्हीं के साथ लेकर ये पुस्तक देखा बेढड़क सभी लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करनी जाए आल रंजा डिस्ट्रीब्यूट करके कि मेयर हवन MLA हवन इनका हाथ से पुस्तक अपनी क्योंकि मन में होगा कि नहीं हम नहीं के चाहें अपना बेढड़क कैसे नहीं हुआ प्रोटोकॉल लेवा कैसे, लेकिन अपना समझ कर ले लेना चाहे तीन भोजपुरिया के संस्कृति है ठीक है बहुत अच्छा हो कि अपने आप ले जा। और इसी से अच्छा रहे कि गांव गांव में अपन सभी जो प्रेस वाला हो जा टेलीविज़न वाला हो जा न्यूज़पेपर वाला मीडिया जो हो जा आप लोग अपनी माई के लिए बेढड़क कर भगवान आपके मौका दिल बा पहली बार इतिहास में 5000 साल के बाद में अपनी माँ के इज्जत दे के आप लोग सकबा जा करें मीडिया क्या नहीं सकेला करें।